स्वागत है आप सबका अपने चैनल में द मैथ मनी में। आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फ्रॉम द चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ द फर्स्ट डिग्री। देखिए यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से पी कॉमन ले लेंगे, इस दोनों को टर्म एक साथ लेके, फिर यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं वाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ठीक है, इतना मिल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके पी प्लस टू एक्स पूरे में से कॉमन ले सकते हैं, इतना मिल जाएगा। फिर बचेगा पी माइनस स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे पूरे इस इक्वेशन को मान लेंगे वन। फिर हम अलग से इसको लेट करके सॉल्व करेंगे, है ना, अलग से ले लेंगे, है ना, या तो इतना हमारा सोल्यूशन हो सकता है या तो इतना हो सकता है। तो लेके सॉल्व करेंगे इसको हम, यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले फिलहाल तो डी पी इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स पुट कर देंगे, आगे हम इसको अलग करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल लगा देंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे हम। तो इंटीग्रेट करने पे हमें कुछ वैल्यू इतना मिल जाएगा, टू टू यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हमें माइनस वन बाई वाई मिल जाएगा ना, वन बाई वाई स्क्वायर का जो होता है वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन माइनस वन बाई वाई होता है, है ना। आप चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे यहाँ पर, बट मैंने आपको बताने के लिए ऐसा लिखा है। इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो हमारा पहला सोल्यूशन इतना, पहला जो है ना रूट्स का सोल्यूशन इतना निकलेगा, दूसरे का सोल्यूशन इतना निकलेगा, हम दोनों को कंबाइन करके ना हमें लिखना है, है ना, दोनों को कंबाइन करके लिखना है। तो इक्वेशन वन का हम यूज करेंगे, इक्वेशन का वन का यूज करके हमें इतना मिल जाएगा जनरल सोल्यूशन। दिस इज अवर जनरल सोल्यूशन। थैंक यू। इफ़ यू फाइंड माई वीडियो यूजफुल देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड मोटिवेट अस। और इस पीडीएफ का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके आप डाउनलोड कर सकेंगे और एग्जाम्स की अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। थैंक यू।